चुनाव के मद्देनजर कांगड़ा चंबा की बात करें, हिमाचल के कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आनंद शर्मा ने जनसंपर्क अभियान किया। इस जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने इंदौरा इलाके में चुनाव प्रचार किया। कांगड़ा प्रत्याशी आनंद शर्मा के साथ कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। चुनाव प्रचार में वो शामिल हुए। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन के साथ साथ मौके पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मी के बावजूद इंदौरा में रहने वाले लोग आनंद शर्मा की जनसभा में बड़ी तादाद में उमड़े। और इस बीच इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन और कृषि मंत्री भी इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। जनता को संबोधन दिया उन्होंने अपना और बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी आनंद शर्मा को समर्थन करने को आग्रह भी किया गया। अपने दौरे में आनंद शर्मा ने इंदौरा में अलग अलग जगहों पर लोगों से संवाद किया। सूरजपुर, मलकाना, सुरडवा और गंगत में चार जनसभाओं को संबोधित उन्होंने किया। और जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला तो सादा ही, तो वहीं पर जनसभा में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता से बात की। बीजेपी पर असल मुद्दों से भटकाकर धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप भी लगाते हुए आनंद शर्मा नजर आए। दस साल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के और 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी विद्वान अर्थशास्त्री, उनमें विनम्रता और शालीनता रहे। उस समय के हिंदुस्तान में बड़े फैसले और बड़े काम हुए जिसको आज के प्रधानमंत्री नकारते हैं। आपका हमारे जो इकॉनमी है, आर्थिक शक्ति है, उस 10 साल में 4 गुना बढ़ी थी, ये याद रखना। मतलब भूलना, 2 ट्रिलियन डॉलर की एक इकॉनमी में पहुंचे कुछ छोड़ के गए।